सवाल ये है, अगर कोई कहे कि मुहर्रम शरीफ में खिचड़ा पकाकर बांटना कहाँ से साबित है, तो इसका क्या जवाब होगा? बिरयानी बनाकर खाना कहाँ से साबित है? एक से एक डिशें कबूल हैं, नई नई डिशें याद हो रही, खिचड़ा भी कबूल है। ये तो एक वैसे ही खुश तबई वाला जवाब है। तो अव्वल तो उसूल ही है कि जो शरीयत मना ना करे जिस काम के लिए जायज़ होता है। मस्जिद नबी शरीफ लेंथर की नहीं थी पहले, ना RCC की थी, ना ये सीमेंटेड थी। अब ये सब हो रहा है ना, शरीयत मना नहीं किया तो ये हो रहा है। तो बहरा लेके खिचड़ा वैसे कहा जाता है कि जब शहदा की लाशें छोड़कर यजीद पलीद का लश्कर शर असर चला गया, तो मक्का में गादरिया कोई गांव होगा वहाँ करीब में करबला शरीफ के, वहाँ से कुछ मुसलमान आए और उन्होंने शहदा किराम की तदफीन वगैरह की तरकीब की और मुख्तलिफ अनाज जो थे वो मिक्स करके इन्होंने गोश्त डालकर और ये ईसा ले सवाब किया। इसी को मतलब के यानी ये खिचड़ा कहलाया। असल ये हलीम कहते हैं इसको, और असल लफ्ज़ है कि लहीम, लहम माने गोश्त, ये लहीम माने पुर गोश्त। अब वो लहीम का आहिस्ता आहिस्ता वो चलते फिरते मतलब अब ये भी नहीं कह सकते कि बिगड़ गया। हलीम तो मुकद्दस नाम है, तो ये हो गया हलीम। हम लोग इसको कहते हैं खिचड़ा क्योंकि इसका एक नाम खिचड़ा भी है। हलीम कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये अल्लाह का नाम है तो क्यों यूँ होता है कि जब इसका मुतबादिल लफ्ज़ है तो खिचड़ा, तो खिचड़ा बोल देते हैं हम लोग। ईसा अलैहि सवाब के लिए आमतौर पर मुहर्रम शरीफ में मुसलमानों में राइज करते हैं, तो मना भी नहीं है। हाँ, कोई फ़र्ज़ वाजिब। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने मुहर्रम शरीफ के खिचड़े के मुतालिक सवाल किया कि यह कहाँ से साबित है, तो आपने जवाबन इरशाद फरमाया जहाँ से शादी का पुलाव और दावत का जरदा साबित है। मजीद फरमाते हैं कि तख़सीसात उर्फिया हैं ना शरिया। हाँ, जो इसे शरण ज़रूरी जाने वो बातिल पर है, यानी ये ऐसी यानी कि लोगों ने मखसूस कर दिया उर्फन, जैसे हम जश्न विलादत मखसूस कर दिया कि भाई 12 रबीउल अव्वल तो ये 11वीं शरीफ, तो ये उर्फी मतलब मखसूसात हैं न कि शरई। खैर, इन्होंने तो जो भी इनको वाकई होगा ये जहन में आया होगा, लेकिन जनरली इस तरह के लोग पाए जाते हैं जो मतलब छेड़ते हैं ये कहाँ से है वो कहाँ से है, तो ये खामा खा मतलब वो परेशान करते हैं लोगों को, अवाम को सवालत कर करके वसवसे डालते हैं। शयातीन इंस कहलाते हैं जो वसवसे डालते हैं, और ये शयातीन जिन से ज़्यादा खतरनाक होते हैं जो इतने सारे मतने के लोगों को गुमराह करते फिरते हैं। तो ये वही तो है ना, सोशल मीडिया पे तो खासकर इस तरह के लोगों अपने अपने ब्रांचें खोल रखी हैं, पेज खोल रखे हैं और बस कर रहे हैं। अल्लाह पाक इन सबको हिदायत।